फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार यूनिक टेक्निकल पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से यूट्यूब पर एक अच्छा इंट्रो बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी न्यू चैनल बनाए हो तो आपको एक इंट्रो की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। फ्रेंड्स, आप जब वीडियो बनाते हैं और आप यूट्यूब पर वीडियो कुछ देखते भी होंगे कि उन वीडियो में आपको एक इंट्रो नज़र आता होगा जो आपको काफ़ी पसंद आता है। फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि मैंने न्यू चैनल यूट्यूब पर बनाया है, मैं भी एक अच्छा इंट्रो बनाऊँ, तो आप सोचते होंगे कि यार किस तरीके से ये इंट्रो बनता होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत होगी और किस तरीके से ये मतलब होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइज, अगर आप भी चाहते हैं ऐसा इंट्रो बनाना तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, आपने मेरी वीडियो के स्टार्टिंग में एक इंट्रो देखा होगा, वन क्लिक में ही आपको बिल्कुल ये सब चीज़ हो जाएगा और आपको बहुत ईजी मेथड लगेगा, आपको काफ़ी पसंद आने वाला है फ्रेंड्स। बट आप वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आप ये इंट्रो मोबाइल में भी बना सकते हैं, बट मैं आपको कंप्यूटर पर बनाकर दिखा देता हूं कि आप किस तरीके से ये इंट्रो बनाएंगे। सो गाइस, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, चलते हैं, हम बता देते हैं आपको। देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको क्रोम ब्राउज़र की स्क्रीन पर आ जाना है, यानी आपको लैपटॉप में या अपने लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र ऑन कर लेना है और वहाँ पर लिख देना है फ्लिक्स। यहाँ पर हम लिख देंगे सिंपल सा फ्लिक्स प्रेस, यहाँ पर हम लिख देंगे और एंटर कर देंगे, यानी कि हमने इसको एंटर किया और हमारी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हम इस पर देख लेते हैं कि हम किस तरीके से वन क्लिक में एक इंट्रो अच्छा इंट्रो बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर देखने को मिल रहा होगा फ्लिक्स प्रेस ऑनलाइन वीडियो मेकर वीडियो क्रिएशन सॉफ्टवेयर, आप इस पर क्लिक कर देंगे। और जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको ये एक न्यू पेज क्रिएट होगा और हम देख लेते हैं कि हमको कहाँ क्लिक कर देना है। तो भाई देख लीजिए, लॉगिन का ऑप्शन आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा होगा अपर राइट कॉर्नर पर, हम लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि क्या आगे को इंटरफेस आता है, हम उसको आपको बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, लॉगिन के बाद यहां पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देना है। अगर आप यूज़र नेम पासवर्ड बनाए हो अपनी इस वेबसाइट पर, नहीं तो आपको लॉगिन विद योर गूगल अकाउंट, जो भी आपका करंट अकाउंट आपके कंप्यूटर पर या आपके मोबाइल पर ऑन है, आपको उससे लॉगिन कर देना है। जैसे यहां पर लॉगिन विद योर गूगल अकाउंट पर मैं एक बार क्लिक कर देता हूं और यहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा और देखते हैं किस तरीके से ये आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपकी कंप्यूटर पर कोई जीमेल खुली है, आप उससे ही लॉगिन कर सकते हैं। सो गाइस, देख लीजिए, कुछ जीमेल मेरी ओपन है, दो जीमेल यानी कि मेरे यहाँ पर ऑन है। मैं किसी एक जीमेल अपनी जीमेल आईडी से इसको ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर जब ये ऑन हो जाएगा तो हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट इंटरफेस हमारा क्या आता है। देख लीजिए, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा और यहाँ पर कुछ इंट्रोज ओपन होकर आ जाएंगे। आपको किसी एक इंट्रो पर आपको वीडियो बना ले अपना एक इंट्रो बना लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ और ऑन करके देख लेता हूँ, कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का आएगा और यहाँ पर हम कस्टमाइज नो पर क्लिक कर देते हैं। कस्टमाइज नो पर हम जब इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ न्यू पेज हमारा क्रिएट होगा और यहाँ पर अपलोड इमेज पर हम क्लिक कर देंगे। एक बार अपलोड इमेज करके देख लेते हैं और अपलोड इमेज पर क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा इंट्रो ओपन होगा। अपलोड इमेज पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, हम कोई भी एक इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और देख लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इमेज सेलेक्ट किया फ्रेंड्स, और यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। और यहाँ पर प्रोसेस पर आप इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ पर थोड़ा आगे के लिए पेज क्रिएट होगा और देख लेते हैं किस तरीके से हम आगे को करते हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरीके का है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्रॉप कर देना है, कोई भी एक पोर्शन ले लेना है जो आपको, यानी कि फुल नहीं आएगा ये, इसमें थोड़ा इंट्रो में हल्का सा हिंट चाहिए होता है। हम इतने को क्लिक कर देते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट वन और मेन टाइटल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ यूनिक टेक्निकल पॉइंट और ऊपर भी यहाँ पर हम यूनिक टेक्निकल पॉइंट कर देते हैं। यूनिक टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर हमारा आ गया। यहाँ पर सबमिट ऑर्डर पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर यस प्लेस ऑर्डर पर हम एक बार क्लिक करेंगे। योर ऑर्डर इज़ बीइंग सबमिटेड लिखा हुआ यहाँ पर आ गया है। जैसे कि हम थोड़ा इसको इंटरफेस देख लीजिए, कुछ इस तरीके का आएगा और यहाँ पर हम देख लीजिए व्यू माई ऑर्डर्स नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहा होगा। व्यू माई ऑर्डर्स पर हम देख लेते हैं अपने ऑर्डर्स की, मेरे ऑर्डर्स क्या हैं। यहाँ पर मैं व्यू माई ऑर्डर्स पर क्लिक कर देता हूँ एक बार।
सो गाइस देख लीजिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। ये मेरे कुछ इंट्रोज हैं जो मैंने बनाए हैं, बट ये मेरा जो करंटली इंट्रो बना रहा हूँ मैं, ये है क्लिक फॉर पे व्यू। यहाँ पर हम देख लेते हैं किस तरीके का हमारा ये इंटरफेस बना है, और डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। बट हम यहाँ पर क्लिक फॉर पे व्यू देख लेते हैं एक बार किस तरीके का हमारा ये इंट्रो बना है। और ये कुछ इस तरीके का इंट्रो हमारे सामने आ गया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट किया था, वो मेरा फ़ोटो भी ऊपर आ गया है। मेरे चैनल का फ़ोटो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि मेरे चैनल का फ़ोटो किस तरीके का है, बट मैंने ये जो है मैंने पिक जो ड्रॉप किया है यहाँ पर इस वेबसाइट पर वो अलग किया है। मेरे चैनल का फ़ोटो आपको पता ही होगा, बट मैंने आपको समझाने के लिए हल्का सा हिंट दे दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे और यहाँ पर हम इसको डाउनलोड एंड शेयर पर क्लिक कर देंगे। डाउनलोड एंड शेयर पर क्लिक करने के बाद HD या SD जैसे भी करना चाहते हैं हम HD में क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर HD में क्लिक करने के बाद हमारा ये इंट्रो डाउनलोड हो जाएगा। और देख लीजिए ये हमारा इंट्रो बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर डाउनलोडिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा और इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।